निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था, और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते, वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। तीसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। जब पावर इतना पैदा हो रहा है देश में तो ये कटौती क्यों? आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जर्जर तारों के गिरने के वजह से जो है वो कितने गरीब लोगों की मौत हो गई तार में सट करके। ये जबरदस्ती गांव का लाइन काटने का दबाव देकर के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी बड़ा खरौनी शाहपुर में एक गांव है, वहां ये प्रयोग चला। ये स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव नहीं दिया जाए, जनता पर दबाव नहीं दिया जाए कि स्मार्ट मीटर लगाना है और नहीं तो लाइन काट देंगे। और भारी बिजली का बिल आ रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा महंगे दर पर बिजली मिल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पावर मिनिस्टर क्या, हरे पावर चली गई जिले।